हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार अचानक से ऐसी मतलब प्लान बना, मुझे अर्जेंटली कोटा के लिए जाना पड़ रहा है। मैं बस अभी निकला यहाँ से, हॉस्टल से कोटा जा रहा हूँ। बड़े अचानक से मतलब रात में ढंग से सो भी नहीं पाया, बहुत टाइम हो गया, लाइक मैं उससे 2-3 घंटे सोया हूँ कि अचानक से फिर वहाँ निकलना पड़ रहा है। ये मेरा लगेज छोटू सा। सुबह के करीब 7 बजे, बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया है आज मेरा। ये ऐसा कुछ नज़ारा है। तो अभी मैं कर रहा हूँ बस ऑटो का वेट, जैसी ऑटो आएगा यहाँ से निकलना है मुझे। मुझे जो कि लोकेशन बताई है उस लोकेशन पर पहुँचना है एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं। ये रोहतक गेट चलोगे? रोहतक गेट छोड़ दो। चलिए ऑटो अपने का मिल गया काइंड ऑफ। बात ऐसी है कि मेरी अभी कैब ड्राइवर से बात हुई है, वो भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो उन्होंने जो मुझे लोकेशन दी थी, जो मुझे टाइम बोला था, मैं एकदम टू द पॉइंट उस जगह पहुंच गया हूँ। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द कैब। बस वो आते होंगे, कह रहे थे कि 3-4 मिनट में पहुँचने वाला हूँ, बस उनके आने का इंतज़ार है। मतलब इतना इंस्टेंटली प्लान करने के बाद भी मैं ऑन टाइम होगा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे तो नहीं रह पाता, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है टाइम। Yes. हाँ जी, तो वेट करते करते कैब भी आ गई थी हमारी। मैं फ़िलहाल कैब में और मुझे लगता है अभी ना मैंने एक्चुअली बुला बुला की थी, तो इसमें क्या है कि शेयरिंग होता ही है, तो आई बी पॉसिबल कि 1-2 पैसेंजर और हमारे साथ ऐड हो। तो अभी साइड में तो खाली है, लेकिन स्टिल इट इज़ पॉसिबल कि और वहाँ के अपने ड्राइवर भी है और एक और पैसेंजर है। अभी तो भिवानी से निकलती है, पहुँच जाएंगे करीब 10:30 तक। यार पता है अभी क्या हुआ कि अभी आपने देखा होगा मैं बैठा हुआ था, इससे पहले कार में बैठा हुआ था, वो स्विफ्ट डिज़ायर थी। और उसके साथ ना प्रॉब्लम ये हुई कि उनके पास एक और अपना कोई पैसेंजर था जिसके साथ और लगेज ज़्यादा था, तो फिर मेरे सूटकेस से उनके पीछे जगह बची नहीं थी कार में लगेज रखने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप किसी, मैं मतलब अब दूसरे कैब ड्राइवर का नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आप उनके साथ चले जाइए और मैं ये जो बाकी 1-2 पैसेंजर्स हैं विद सम लगेज, मैं इनको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे पैसेंजर्स एयरपोर्ट के हैं। तो हुआ भाई, मैं वहाँ से फिर मैं उतरा उस कार से और चेंज करना साइड किया, एंड देन मैं अभी अपने दूसरी कार में हूँ, दूसरे कैब में हूँ। लाइक ये हमारी कैब है अर्टिगा, ड्राइवर भैया भी गए हुए हैं, मतलब और 1-2 पैसेंजर देखने के लिए बाहर हो गए, बस स्टैंड पे खड़ा हुआ होगा, तो यहाँ इनको पैसेंजर मिल भी जाएंगे जल्दी आई थिंक। मैं तो अभी आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन पर, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैं बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहा हूँ टाइमिंग के अकॉर्डिंग। 12:45 की मेरी ट्रेन है हज़रत निज़ामुद्दीन से, और मैं अभी तक यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में बस मेट्रो का सफ़र स्टार्ट ही कर रहा हूँ। और अगर तुम्हारा टाइम एस्टिमेटिंग देखा है तो वो करीब 1 घंटा दिखा रहा है। इट्स ऑलरेडी 11:40। हाल यार, मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हूँ, बस मुझे एक ट्रेन चेंज करनी है 2 स्टेशन बाद, फिर अपने स्टेशन पर पहुंचना है। अब बिल्कुल राइट टाइम पर चल रहा हूँ, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए। इतनी भाग दौड़ करने के बाद, इतना ज़्यादा मतलब इधर उधर करने के बाद मुझे फाइनली मेरी ट्रेन मिल गई और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। वरना काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे बैठ के, बहुत प्यारी सीट लगी है, विंडो सीट है, एंड फीलिंग रिलैक्स्ड। पता है इस
सफ़र की सबसे खास बात क्या है? यही कि इसमें ना आपका बीच में जो जहाँ ये ट्रेन एक स्टेशन पर रुकेगी मथुरा, जहाँ मेरा होम टाउन है, तो ये मथुरा भी रुकेगी। तो मुझे उस बात की भी खुशी है कि मैं सफ़र में बीच में अपने होम टाउन से होके ही गुजरूँगा, वहाँ के भी शॉर्ट्स लूँगा, वहीं हो पाएगा पॉसिबल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ट्रेन अभी जहाँ से निकली है ना, ये मथुरा जंक्शन ही है, तो मन तो कर रहा है कि यहाँ उतर जाऊँ, घर चला जाऊँ, बट क्योंकि बताया मैंने आपको ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिलहाल यहाँ से ट्रेन चल चुकी है आगे के लिए, तो इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी टू रीच समवेयर यू नीड टू लीव अ प्लेस। करीब इवनिंग के 5:15 हो रहे हैं और अभी हम पहुँचे हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन। इससे नेक्स्ट ही है कोटा स्टेशन। वैसे ट्रेन टाइम जो था वो 6:55 था कोटा पहुँचने का, बट अराइवल मतलब एस्टिमेटेड टाइम से पहले पहुँचती है, करीब 6:20 पे हमें कोटा छोड़ेगी है। बाय द वे मैं आपको अपना ट्रेन कोड को दिखाना भूल ही गया, तो अभी ट्रेन कुछ ऐसा दिखता है ट्रेन। एक्सक्यूज मी, वैसे मैंने पहले भी काफ़ी ट्रैवल किया है चेयर कार में, पर ये मुझे थोड़ी काफ़ी अच्छी लगी, ये सर्विस भी ठीक लगी मुझे। ये है मेरी सीट, ये व्यू है, ये मेरी सीट है, एंड दिस इज माय बैग। और पता है ये भी देख सकते हो, मुझे ना थोड़ी अच्छी वाली टेबल मिल गई इस चेयर का, मतलब इस सीट का ये फ़ायदा है कि मुझे टेबल काफ़ी एकदम बिग साइज़ मिली। जब से बैठा हूँ तब से 2-3 पैसेंजर मेरे सामने से बदल गए, 2-3 पैसेंजर सामने वाले बदल गए, तो नए नए चेहरे देखने को बिल्कुल सामने मिल रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में। और मेरी जो जर्नी थी वो बिल्कुल जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है हज़रत निज़ामुद्दीन से, और जहाँ ये बिल्कुल उसकी ट्रिप एंड होती है, डेस्टिनेशन है कोटा, वहाँ तक है। तो ये सब तो एक्सपीरियंस करना बनता ही था कि लोग चेंज होंगे, जगह चेंज होंगी, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेवलिंग अकॉर्डिंग टू। देखो यार कितना प्यारा व्यू है, इसके ना थोड़े विंडोज़ के जो ग्लास है ना गंदे हो रखे हैं, जिसकी वजह से शॉट्स बहुत ज़्यादा साफ नहीं आ पा रहे हैं। और एक बात जो मैंने उस ट्रेन में नोटिस की वो ये है कि इनका जो फूड सर्विस है ना वो काफ़ी अच्छा है, मतलब थोड़े थोड़े देर में कोई ना कोई आता रहता है, कुछ ना कुछ लेकर जाए, चाय हो, कॉफ़ी हो, सैंडविच हो, वट एवर, काफ़ी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास यहाँ फूड में। बाहर ना करीब करीब अंधेरा होने को शायद कैमरे पे तो कुछ दिख भी नहीं रहा होगा। तो बस अब अपनी जर्नी ख़त्म होने को है, 1-2 मिनट में स्टेशन पहुँच जाएंगे हम, कोटा आने वाला है। सिटी में तो एंटर कर ही गए हैं, बस स्टेशन पहुँचने की देरी है, उसके बाद फर्दर पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। काफ़ी अच्छी जर्नी रही यार, ट्रेन वगैरह सब, हालांकि थोड़ा टाइम का मिसमैनेजमेंट था आज, बट स्टिल काफ़ी कुछ ट्रैवलिंग का बस यही होता है थोड़ा सा, मतलब सारी चीज़ें एकदम ऑन द टाइम टू द पॉइंट और बिना कुछ मिस किए हो जाए तो बहुत बेहतर रहता है। वैसे लीजिए जनाब, कोटा पहुंच चुके हैं हम, बस अभी ट्रेन यहाँ आके रुकी और मैं निकला, और अब मुझे बस बाहर जाना है, और वहाँ से फिर अपनी लोकेशन पे
जर्नी बहुत अच्छी रही, थोड़ी लंबी ज़रूर रही लेकिन ज़्यादा परेशानी भरी इसलिए नहीं रही क्योंकि मैंने अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स बीच बीच में चेंज करता रहा। लाइक पहले कार थी, फिर मेट्रो एंड देन फिर ट्रेन, तो पता नहीं चला। लंबा सफ़र ज़रूर था लेकिन ईजीली निकल गया, बहुत मज़ा आया। ट्रेन भी काफ़ी अच्छी थी, चेयर कार का एक्सपीरियंस भी काफ़ी ठीक रहा, काफ़ी लंबे समय बाद लिया था मैंने तो ठीक लगा मुझे। बस यही थी कोटा पहुंचने तक की जर्नी, इसके बाद आप देखोगे कि हम यहाँ दो दिन में क्या क्या करते हैं। इतना बता दूँ कि बहुत अच्छा कुछ करेंगे, लाइक बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहना।